जयंत और अखिलेश यादव की दोस्ती के भविष्य का फैसला हो ही गया। आरएलडी के मीडिया संयोजक ने दोस्ती के ताबूत में ठोक दी आखिरी कील। निकाय चुनाव में दोनों दलों की क्या होगी भूमिका, छट गए अब सस्पेंस के बादल। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद उठे सवालों के भी मिल गए जवाब। आरएलडी और सपा गठबंधन के भविष्य को लेकर दो दिन में तमाम सवाल उठ रहे थे और दावा किया जा रहा था कि अखिलेश और जयंत की दोस्ती में दरार आ गई है। सवालों को जन्म तब मिला था जब आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय ने बयान दिया था और कहा था कि निकाय चुनाव दोनों दल अलग अलग लड़ेंगे। अब खुद राम आशीष राय ने अब मामले पर अपना बयान और साफ कर दिया है, तो वहीं आरएलडी के मीडिया संयोजक ने एक विज्ञप्ति जारी कर अपनी पार्टी और गठबंधन का रूप क्या होगा ये भी बता दिया है। आरएलडी के मीडिया संयोजक ने अब जो कहा है उसे गठबंधन और दोस्ती पर छाए बादल छट गए और तस्वीर पहले से ज्यादा बेहतर साफ हो गई है। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष का जब बयान सामने आया था तब बीजेपी ने इसे जमकर हवा दी थी, लेकिन अब बीजेपी अपने जाल में फंसी दिख रही है क्योंकि अखिलेश और जयंत चौधरी ने जो फैसला लिया है उससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी है। दरअसल सपा और राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से 2022 जैसा फैसला लिया गया, जो दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2022 गठबंधन में लड़े थे उसी तरह से नगर निकाय चुनाव भी साथ लड़ेंगे। दोनों पार्टियों की तरफ से जब से ये बयान सामने आया है तब से बीजेपी की छाती पर सांप लौट रहे हैं। बीजेपी को लगा था कि अगर दोनों दलों का गठबंधन टूटा तो फिर उसे बिना मेहनत के ही फायदा मिल जाएगा, और यही वजह थी कि बीजेपी जमकर आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को हवा दे रही थी। लेकिन अब बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से तीन दिन तक भ्रम रहने और गठबंधन में असमंजसता की स्थिति पैदा होने के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया गया है। आरएलडी के प्रदेश मीडिया संयोजक और पार्टी की तरफ से नगर निकाय चुनाव के लिए गठित पर्यवेक्षकों की टीम के सदस्य सुनील रोहाटा ने विज्ञप्ति जारी करके ये साफ कह दिया है कि नगर निकाय चुनाव सपा और आरएलडी मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में बयान दिया था जिसको लेकर दोनों पार्टियों में भ्रम के हालात पैदा हो गए थे। अब वो पार्टी की तरफ से साफ करते हैं कि दोनों दल साथ हैं और साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी की 15 पर्यवेक्षकों की टीम भले ही प्रत्याशी चयन और अन्य चुनावी रणनीति को लेकर रिपोर्ट तैयार नहीं कर रही हो, लेकिन समय आने पर साझी रणनीति की घोषणा होगी।